कृष्णवेदी, तो जैसा कि हम लोग इंग्लिश की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पार्ट वन मैंने डाला था फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पे, उसका फॉर्मेट पे। तो फिर मैंने कमेंट्स देखे तो कई लोगों की दिक्कतें हैं एडवर्टाइजमेंट एंड नोट्स मेकिंग पे। सबने कहा कि सर इस पे वीडियो बनाइए, तो मैंने कहा चलिए ठीक है भाई, जो बच्चों की रिक्वेस्ट होगी उसी पर वीडियो बनेगी। ठीक है, आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन पे भी कहा है और आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग इन सब पे भी आपने कहा है, तो आप चिंता मत करिए। जो जो आपको दिक्कत है, छोटी से छोटी दिक्कत, सारी यहाँ पे सॉल्व होगी, कोई भी परेशानी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट नोट्स मेकिंग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग, और उसके बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंशन सब पढ़ेंगे। फंक्शन इंग्लिश भी मैं पढ़ा दूंगा, उसका ग्रामर भी मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली बार जब मैंने वीडियो डाला था तो जो पेपर फॉर्मेट मैंने आप लोगों को इंग्लिश कोर का बताया था, तो उसमें थोड़ा चेंज आ गया, क्योंकि जो मैंने डाला था, मैंने मुझे टाइम हो गया, 4 साल हो गया इंग्लिश पेपर दिए हुए 12th बोर्ड का, तो इसलिए अब थोड़ा पेपर पैटर्न में चेंज आ गया। सबने कहा कि सर अब पेपर पैटर्न थोड़ा रिवाइज हो गया, आप नया पेपर एक बार पैटर्न देख लीजिए, तो उसके लिए अपॉलोजीज। और मैं नया पेपर पैटर्न मैंने देखा और लेटेस्ट पेपर फॉर्मेट ये है आपके सामने। तो देखिए, सेक्शन ए रहेगा रीडिंग, जो कि 30 मार्क्स का रहेगा, और उसमें आपको पैसेज दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपको जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसमें 4 MCQ वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो यार MCQ तो मतलब बहुत आसान होता है, आप लोग एकदम चिंता मत करिए। पहले तो क्या होता था, पहले तो MCQ आते नहीं थे, अब MCQ आना शुरू हो गए तो MCQ लगाना तो बड़ा आसान होता है। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा एक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, ऐसे 6 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। ठीक है, एक एक नंबर के एक एक दो दो लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी रहेगी, और उसका रहेगा पिक आउट द वर्ड्स या फ्रेजेस फ्रॉम पैसेज विच आर ऑपोजिट इन मीनिंग। ठीक है, कई लोग को दिक्कत होती है कि सर हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, तो हम लोग जब यही नहीं पता कि उसका वर्ड का मतलब क्या, तो उसका ऑपोजिट और उसका सिनोनिम एंटोनिम हम लोग कैसे बताएंगे, उसका मतलब ही नहीं पता। तो देखिए, थोड़ी आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, तो तभी आप कुछ बता पाएंगे कि उसका एंटोनिम क्या है, सिनोनिम क्या है। लेकिन अब जैसे 2 नंबर का है तो इतना टेंशन मत लीजिए, कि अगर आपका इतना अच्छा नहीं भी होगा तो ये नहीं कि आपके बहुत नंबर का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी, लेकिन अगर आपको कुछ दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो सेकंड होता है वो भी पैसेज रीडिंग होता है। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन होता है, उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन होते हैं MCQ वाले 2 नंबर के, और फिर उसका आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली, उसमें भी 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक मार्क्स का आपको एक एक दो दो लाइन लिखना रहेगा, और फिर उसका फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया, और फिर तीसरा भी रीड द पैसेजेस में आपको नोट्स मेकिंग बनाना है। देखिए, नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी होती है, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव की तैयारी करें या कुछ भी करें, तो चीज़ें आजकल आपको इतनी ज़्यादा सोर्सेज हैं, इतना सारा मटेरियल है, तो उस चीज़ को कंसाइज वे में कैसे लिखें, क्योंकि यार जो ह्यूमन ब्रेन होगा वो सब कुछ तो ऐसे हम लोग का अब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, तो कैसे चीज़ों को कितना हम कंसाइज कर पाएँ, कितना छोटा कर पाएँ कि हमको वो चीज़ तुरंत याद हो जाए। तो इसीलिए नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबके पास एक नोट्स मेकिंग स्किल होना ही चाहिए लाइफ में। तो नोट्स मेकिंग कैसे करेंगे वो आज मैं आपको बता दूंगा, और फिर एक होगा ये 5 नंबर का आएगा। ठीक है, और आपको एक समरी जो है लिखने की आएगी उस पैसेज की 80 वर्ड्स में 3 नंबर के लिए। ठीक है, भी राइटिंग स्किल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये 30 मार्क्स के होंगे, ये मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं CBSE के सैम्पल पेपर से ही लिए हुए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अब देखिए, जो क्वेश्चन है ये आपका आएगा 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो उसमें से 2 में से 1 आपको करना है, और इसमें से ठीक है एक आपको है, आपको एक इन्विटेशन पर रिप्लाई करना है एक्सेप्ट करते हुए उस इन्विटेशन को, और दूसरा है आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आसान है, 4 नंबर का है, एक बॉक्स बना के आपको बस लिखना है, आसान से चीज़ है। एडवर्टाइजमेंट आप कितना न्यूज़पेपर में देखते होंगे यार, कहीं लिखा रहता है फ्री फ्री फ्री, 30% ऑफ है, 40% ऑफ है, तो मतलब देख के हाँ यार चलो मम्मी मेरे लिए खरीद दो, वो खरीद दो आदमी। ठीक है, तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान देंगे, छोटी सी चीज़ है, आसान सी चीज़ है, इसी चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, ये करके आइएगा पेपर में, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा। ठीक है, तो और देखिए, फिर उसके बाद आपका आएगा कि आपको लेटर लिखना है सेल्स मैनेजर को कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्ट एंड सीकिंग इमीडिएट रिप्लेसमेंट। आपने कुछ चीज़ें आपने कुछ खरीदा था मोबाइल फोन कहीं से, मोबाइल बिला से। ठीक है, तो आप एक तरीके से ये फॉर्मल लेटर लिखना है। फॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे ये आप देखेंगे, जो मैंने पिछला वीडियो आपको दिया था उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों बताया हुआ है मैंने आपको कैसे लिखना है लेटर। ठीक है, तो आपको जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में आपका लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और इसमें से आप ये लिख सकते हैं कि आप एक लेटर लिखें डायरेक्टर ऑफ फिल्म अकेडमी सीकिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसीजर। ठीक है, एक तरीके से फॉर्मल लेटर ही हुआ, तो 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर में फॉर्मेट आप ध्यान रखिएगा, और कंटेंट तो कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है वो मैं आपको बताई चुका हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे आपको 150-200 वर्ड्स के बीच में एक आर्टिकल लिखना है न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, जैसे इसमें दिया स्किल डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको लिखना है कि कैसे आज के टाइम में 2 हिस्सों में इंडिया बट गया, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स हैं, और ठीक है, और कैसे आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, तो स्किल डेवलपमेंट कितना जरूरी है, कई लोग हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बाद भी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कैसे आज के टाइम में हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग दें लोगों को, कई बार होते हैं लोगों के पास डिग्रियां होती है फिर भी स्किल नहीं होता है चीज़ों को करने का, तो मशीन पर काम नहीं कर पाता, तो स्किल डेवलपमेंट ये सब आपको लिखता है, वो कैसे देखना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,
और दूसरा है आपको एक रिपोर्ट लिखनी है हेल्थ मेला पे, ठीक है। आपको हेल्थ के बारे में लोगों को बताना है कि मतलब यू शुड बी हेल्थ कॉन्शियस। आज के टाइम में लाइफ स्टाइल डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि मतलब क्या बताएं, ठीक है। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा। फिर हम लोग देखते हैं कि आपको एक ये लिखना है, मॉर्निंग स्पीच लिखनी है असेंबली के लिए 150 to 200 words में, या आप जो है एक डिबेट लिख सकते हैं, होम्स फॉर दी एजड इज नेसेसिटी इन इंडिया। इसमें यू हैव टू राइट फॉर इधर अगेंस्ट दी आर्ग्यूमेंट और इन फेवर ऑफ दी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एक ही लिखिएगा, दोनों दोनों मत लिख के आइएगा, एक ही लिखना। 10 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना है। फिर लिटरेचर सेक्शन आएगा 40 नंबर का, सेक्शन सी। अब ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी ग्रामर पार्ट पर फोकस कर रहा हूँ। तो देखिए सैम्पल क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का। और इसमें जो है, यू हैव प्लान टू ऑर्गेनाइज अ समर कैंप फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 10 to 12 ईयर्स, ठीक है। उनको समर कैंप पे लेके जा रहे हैं और आपको एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट देना है, ठीक है। आपके स्कूल में भी जब भी आप लोग जाते होंगे कोई भी समर कैंप के लिए, तो एक नोटिस आता होगा, फिर आप लोग देखते होंगे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ऊपर तो आपको स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। फिर आपको वहाँ पे लिखना है नोटिस, फिर उस दिन की डेट आप लिखेंगे, और फिर क्या चीज़ के बारे में, जैसे वो है समर कैंप तो आपने लिख दिया, और उसके बाद सीधा आपने लिख दिया कि स्कूल इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ 2 वीक समर कैंप इतने से इतने बच्चों के लिए। क्या क्या डिटेल सब पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कितना आपको पैसा देना है डिपॉजिट में, और कब तक आपको देना है, ठीक है। और आखिरी में आप अपना नाम लिख सकते हैं, अगर आपको क्लब वगैरह के, तो आप उस क्लब के सेक्रेटरी हैं, या आप अपना फोन नंबर भी लिख सकते हैं कि फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा एक बार, और ये इसको एकदम सिंपल शॉर्ट और क्रिस्प रखना है, कि पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, ठीक है आपको। और फिर उसके बाद आइए आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स। तो ये सब, ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये मैंने जो टॉपर्स की मार्कशीट होती है वही से आपको उठा के दिया है कि भाई देखिए टॉपर्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे उसने लिखा हुआ एबीसी पब्लिक स्कूल दिल्ली नोटिस और लॉस्ट लॉस्ट, अगर आदमी आदमी की कोई चीज़ गुम हो जाती है, या कोई चीज़ को खरीदनी होती है, कुछ होती है, तो आदमी का अटेंशन सीकिंग बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए आप कोई चीज़ को ऐसे बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे, कोई चीज़ गुम हो गई है, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, या ये चीज़ फ्री में मिल रही है, तो इस चीज़ पे आदमी की तुरंत नजरें पड़ती हैं। तो इसने लिखा हुआ है लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है। और फिर उसने डेट लिख दी, और फिर उसने लिख दिया कि एक नोटबुक गुम गई है केमिस्ट्री की, ठीक है, उसमें ये नाम लिखा हुआ है और ये क्लास की है, तो जो भी है वो आके मेरे पास से नोटबुक ले जाए, ठीक है, और ये मेरा नाम है और ये मैं इस क्लास में हूँ, ठीक है। तो आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक सिचुएशन वॉन्टेड, आप एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर रहे हो किसी के अपनी कंपनी के लिए, कि इस चीज़ के लिए हमको एक इंजीनियर चाहिए, और आप उसकी क्वालिफिकेशन जो भी है वो सब लिखते हैं। जैसे मैट्रिमोनियल्स पे आप देखते हैं ना, मैट्रिमोनियल्स वाले वो छपते हैं कि यार लड़का इतना होना चाहिए, ये इतना लंबा चौड़ा, ये नौकरी होनी चाहिए, यूएस रिटर्न होना चाहिए, आईएएस आईपीएस होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही उस तरीके का आपको लिखना है कि क्या क्या आपको क्वालिटीज उसमें चाहिए, वो आप सब कुछ लिख देंगे। ये एग्जाम्पल के तौर में आप देख लीजिए, और ये 4 नंबर का होता है, ठीक है। 7-8 लाइन में आप इसको छोटा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प में लिखिएगा, और पूरा बॉक्स बना के आइएगा। जब एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो आपको बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उस बॉक्स का एक डायमेंशन होता है, उस डायमेंशन के हिसाब से उतना आपको पैसा लगता है न्यूज़पेपर में छापने का उस चीज़ को, ठीक है। एक बॉक्स बना के आइएगा और ऐसे नीट एंड क्लीन एंड रेडी में लिख के आइएगा, एकदम ज़्यादा उसमें कट पिट मत करिएगा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट, बहुत ही आसान सी चीज़ है, 4 नंबर की चीज़ है यार, 4 में से 4 तो इसमें आप ले ही आइए, बड़ा आसान सा है, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं नोट्स मेकिंग, ठीक है। नोट्स मेकिंग आपसे 5 नंबर के लिए पूछेगा। अब नोट्स मेकिंग का एक फॉर्मेट होता है, पहले आप जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है, तो उसको आपने शॉर्ट में एक हेडिंग दे दी उस चीज़ की, ठीक है। उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होंगे, उसका इंट्रोडक्शन होगा, उसकी बॉडी होगी, उसका कंक्लूजन होगा। तो आपने पहले 1 में लिख दिया इंट्रोडक्शन, और उसके अंदर क्या क्या सब पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 2-3 उस बॉडी में आप चले गए आर्टिकल के, और फिर आपने सब हेडिंग 2 दे दी, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। फिर आपने तीसरा लिख दिया कंक्लूजन, उसमें क्या क्या चीज़ आएंगे, उसके पॉइंट्स लिख दिए। और नोट्स मेकिंग यार आदमी किसके लिए करता है, नोट्स मेकिंग आदमी अपने लिए करता है, अपने पर्सनली उसके लिए करता है, दूसरे के लिए करता नहीं। इसलिए आदमी कोई चीज़ जल्दी जल्दी में लिखने के लिए या शॉर्ट में लिखने के लिए कई सारे शॉर्टकट्स यूज़ करता है। जैसे आज के टाइम में हम लोग चैट करते हैं ना, तो जैसे और को यू आर लिख दिया, और ओके को के लिख दिया, तो इस तरीके से जो भी शॉर्टकट्स यूज़ किए जाते हैं, उस तरीके से आदमी अपने लिए नोट्स बना लेता है, क्योंकि वो शॉर्टकट्स उसने यूज़ किया तो वो चीज़ को समझ में आ ही जाएगी, उसने दूसरे के लिए तो बनाया नहीं है, तो ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप नीचे की एब्रीविएशन में लिख दीजिएगा, नहीं तो ये पता चला आपने कुछ लिखा हुआ है, बाद में आप देख रहे हैं यार आपको समझ में नहीं रहा है क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपने नीचे एक की बना के लिख देंगे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ठीक है ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आज के टाइम में तो यार आज की जनरेशन इतना जो है व्हाट्सएप और इन सब में चैटिंग में एक्टिव रहती है, उसको तो पता ही यार कैसे चीज़ों को शॉर्ट में और क्रिस्प में लिखा जाता है, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल भी टॉपर्स की आंसर शीट से लिए गए हैं। देखिए जैसे एक ऐसे होगा, तो किस चीज़ पर वो ऐसे आपने उसको शॉर्ट में लिख दिया कि कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग थिंग्स,
उसके बाद फिर उसने स्टार्टिंग की वन में कलेक्शन ऑफ ऑर्डनरी, ऐसे यहाँ पे वन लिखिएगा और उसके बाद फिर आप लिखिएगा उसको एक इंट्रोडक्शन कलेक्शन ऑफ ऑर्डनरी पर्सन, तो उसमें अनवांटेड ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग एंड ब्राउन पेपर, ये सब आप लिख देंगे। और कोई अगर जैसे प्लेसेस लिटर्ड में ड्रॉर्स और कबर्ड्स और ये सब आपने लिख दिया, ठीक है, तो सब हेडिंग के अंदर भी आप कुछ कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप उसने 1 यूज किया है तो उसके अंदर सब हेडिंग 1.1, 1.2 ऐसे उसने यूज किया है, और जैसे 1.4 यूज किया है, अब वो 1.4.1 यूज करेगा तो वो थोड़ा एम्बिगस हो जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसने इसलिए उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि उसने एबीसी लिख दिया कि एबीसी 1.4 के अंदर आते हैं और 1.41 के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिर उसने अब दूसरे पैराग्राफ पे किया। आप क्या करिएगा ना कि जैसे मान लीजिए 4-5 पैराग्राफ का अगर आपके पास कोई भी एक वो आया आर्टिकल आया, तो आप एक या दो पैराग्राफ को एक साथ क्लब करिएगा, ठीक है। अगर एक अगर पैराग्राफ छोटे हैं तो आप दो पैराग्राफ को एक साथ क्लब कर दीजिएगा और उन दो पैराग्राफ का एक समरी देख लीजिएगा कि किस चीज़ पर डील कर रहे हैं और उसके बारे में लिख दीजिएगा और उसके नीचे छोटे छोटे उसके पॉइंट्स लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो तो आप अगर आपको आसान तरीके से करना है तो आप एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जितना पैराग्राफ है उतना पैराग्राफ, क्योंकि हर पैराग्राफ एक अलग अलग चीज़ से डील करेगा, ठीक है। तो एक पैराग्राफ में आपने उसको पढ़ लिया, फिर आपने उसको लिख दिया कि यार ये पैराग्राफ इस चीज़ पे है और उसके छोटे छोटे पॉइंट्स आपने लिख दिए, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ पे है, दूसरा पैराग्राफ यहाँ नंबर 2 दिया और दूसरा पैराग्राफ इस चीज़ पे और उस पर आपने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ उसने फिर 3 कलेक्शंस ऑफ अ वुमेन और ये सब उसने लिख दिया, फिर चौथा कलेक्टिंग एज अ हॉबी और इसके बारे में लिख दिया। देखिए चारों पैराग्राफ अलग अलग चीज़ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग पैराग्राफ का अलग अलग हमने नोट्स मेकिंग कर दिया। एक पैराग्राफ का उसका समरी ये है, दूसरे पैराग्राफ का ये है। अब देखिए इतना बड़ा आपका आर्टिकल छोटे से एक उसमें आ गया, ठीक है, नोट्स में आ गया। आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें लास्ट में इसने देखिए और एक पैराग्राफ है एडवांटेजेस ऑफ कलेक्टिंग, तो सारे पैराग्राफ अलग अलग चीज़ से डील कर रहे हैं और इसने एडवांटेजेस में जो जो एडवांटेज है वो सब लिख दिया। और इसने की लिख दिया, इसने कहाँ कहाँ छोटे छोटे जो वर्ड्स यूज़ किए थे उसको इसने एसोसिएशन और पीपल और मेंटल और इसका फिजिकल इस सब का जो जो उसने यूज़ किया था इसने एक की लिख दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। एक जैसे एनवायरनमेंट पे कोई आर्टिकल होगा तो उसने उस पर लिख दिया कि असॉल्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, और फिर उसने लिखा कि वाटर टेस्ट कंटामिनेशन ऑफ एयर वाटर, उसने इंट्रोडक्शन दिया कि भाई एनवायरनमेंट में क्या क्या दिक्कतें हो रही है, एयर और वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, और डैमेज इरिवर्सिबल रिवर्सिबल, ठीक है। अब उसके कॉजेस पे आए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके कॉजेस क्या है, केमिकल्स हो गया, रेन हो गए, ठीक है, केमिकल्स ऑन क्रॉप्स कौन कौन से हैं, ये दीज केमिकल्स ऑन क्रॉप्स एंटर द ऑर्गेनिजम्स थ्रू स्ट्रीम्स, ठीक है, एंड थ्रू सॉइल, ठीक है। और आगे देखते हैं फिर यहाँ पे इसने बैलेंस के बारे में लिखा है कि कैसे डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को एक बैलेंस के साथ चलना चाहिए, ठीक है, और हम लोग को कैसे चीज़ों को बैलेंस करते रहना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट पे कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ना आए, और ठीक है। और फिर आखिर में उसने लिख दिया कि चेंजेस कॉजिंग हार्म, फिर रेडिएशन और एडजस्टमेंट केमिकल्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इन सब पे उसने लिख दिया, ठीक है। तो आपका सीधी सीधा आपको ये चीज़ करना, जितना पैराग्राफ होगा उतना आप जो है पॉइंट्स लिख दीजिएगा और उस पैराग्राफ में क्या क्या है उसको छोटा छोटा उसमें ए बी सी डी या 1, 2, 3, 4, 1.1 या 1.2 ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। और आखिरी में एक एब्रीविएशन बॉक्स ज़रूर बनाइएगा कि आपने क्या क्या शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर नहीं पसंद आया तो आप वो भी लिख दीजिए क्या कमी है, उसको मैं अगले लेक्चर में सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मैं कैसे रिपोर्ट लिखना है या कैसे आर्टिकल लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा, और कॉम्प्रिहेंशन भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और एक बार इंग्लिश कोर हम लोग का खत्म हो जाए फिर हम लोग फंक्शनल इंग्लिश की ग्रामर निपटा देंगे। और कई लोगों ने बिटसैट का भी लिखा हुआ है, तो बिटसैट में देखिए ये सब तो सब्जेक्टिव तो इतना आता नहीं कि इतना सर आपको लिखना रहे, उसमें आपको MCQs रहेंगे और आपको बेसिक ग्रामर जैसे टेंस और वर्ब और प्रपोजिशंस ये सब आएगा, तो उसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर बना दूंगा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, चलिए।